जवान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत के बाद वो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंसी पे बंदे ने पूरा घर बनाया। छोले करारे बेच बेच के छोले नहीं, बड़ा सेट माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त खूबसूरत। अच्छा जानते जानते सानू ये दसी जा कितना खर्चा आ गया इस दोते तीन साल अंदर तकरीबन। चलो जी माशाल्लाह, ये देखिए जनाब अल्लाह ताला आपके घर का पहला गिफ्ट हमारी तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं जी? और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक हो। सो हमारे यहाँ कल आई थी आंधी, जो कि हम पिछले वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी, वैसे बड़ी शदीद आंधी आई थी। शदीद आंधी के बाद हमारी हालत कुछ ऐसी है। हाँ जी बिल्कुल, हर चीज मट्टी मट्टी है और बुरी हालत हो गई। बुरी हालत है, दरख्तों की हालत ये है, हमारे किचन की वो शीट मीट जो सारी उड़ छोड़ के वो वहाँ चली गई थी, और नंबर छत हमारी माशाल्लाह जिसका हमें ज्यादा खतरा था ना वो हमारी महफूज है। हमने बांधी भी तो अच्छी तरह थी। हाँ वो पक्की मजबूत है। तो लेकिन और काफी जगहों पे तो वैसे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी भी गर्द इतनी है ना, और फिर उसके बाद आपको पता लाइट नहीं थी। आह हा, लाइट ना होने के बाद बैर हम यहाँ पे सोए सेन में, इतना मच्छर ये हमारे चार पे अभी भी पड़ी है, इतना मच्छर था, इतना मच्छर दबा के, और यूपीएस तकरीबन बंद हो गया था बाद में। तो हम भाई साहब रात को कोई नहीं सोए, बिल्कुल ही नहीं सोए। अभी हालत हमारी इतनी गैर है ना, मतलब कल रात ही सोए थे, और उस रात से लेके अब की रात तक हम जाग ही रहे हैं मुसलसल। लेकिन बेगम फिर भी फ्रेश फ्रेश लग रही मुझे तो। आप नहीं हो फ्रेश? मैं तो वैसे बस जबरदस्ती बोली जा रहा हूँ। आप शायरी को पंखे भी जलने चल रहे हैं, बड़े पंखे ऐसे मेरे ये वाले हिस्से दर्द करते हैं यहाँ से ऐसे ना, पंखा चल चल के ना। हाँ बच आराम भी नहीं करने देता था, वो कहता था मुझे हवा दो हवा दो हवा दो। ये देखें जी इनकी प्यार मोहब्बत चल रही है, दोनों बहन भाइयों की ना देखो। हाँ 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 सफाई हो रही कान की। तू मेरे कार मैं तेरे करती हूँ, है ना? हाँ ये देखो इत्तफाक ये होता है। हाँ। हम एक दूसरे की तरह, इंसानों की तरह नहीं जानवरों की तरह हमें रहना चाहिए बस इस तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जानवरों में भी जो ताकतवर होता है ना उसी का जोर चलता है, वो भी उसी का चलता है। हाँ, लेकिन अभी तो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। खेलना कूदना तो इकट्ठा है ना। खैर हमारी कल की वीडियो बीच में रह गई थी, अभी हमने वो गिफ्ट वगैरह पैक किए हैं, करवाए भी हैं, और उसमें सामान सामान हमने डाल दिया है। तो आज आपको जाके गिफ्ट भी दिखाते हैं, अगर सदाकत को कहते हैं कि हमारे सामने इसको लगाएं अभी सही। हाँ, देखें ताकि दूल्हे का कमरा एकदम से फिट फाट हो जाए, ज़बरदस्त हो जाए। बाकी की सेटिंग शूटिंग तो बाद में होगी, लेकिन ये है कुछ चीजें लगा के दूल्हे का कमरा रेडी करते हैं। तो आए चले फिर। ये इमरजेंसी में गए थे लेने तो वो भाई आंधी आई है, वो तूफान आ गया था रात को। तो भाई उस तूफान की वजह से ना हमारे घर की हालत देखो, ये देखो ये देखो, उसको छोड़े यार गाड़ी का ये हालत है, कवर उड़ गया इसका, और ये माशाल्लाह यहाँ ऐसे अभी साफ भी नहीं कि मैंने कहा अभी मेरा मूड था सिटी जाने का, तो मूड तो है कि इसको ना धुलवा शुलवा ही नहीं, मेरे से तो नहीं धोई जाते, फिर गंदी हो जाएगी, मतलब मट्टी इतनी है ना। अभी तो हमारे ऊपर जो मट्टी आपको नजर आ रही सारी गर्द कितनी है, अभी तो पहले वाले भी नहीं उतरी, बिल्कुल ऐसे ही है, बारिश ही नहीं आई थी। आए फिर गिफ्ट उठाते हैं, सदाकत के पास चलते हैं और ले जाते हैं और उसके हवाले करते हैं और उसको कहते हैं भाई साहब उसको लगाओ कहाँ कहाँ पे लगाना। तो लेट्स गो, हमारे साथ चलिए। उठाओ जी उठाओ जी आओ जी। ये देखें अभी हम सोने लगे थे, फिर हमें दिन में नींद नहीं आई, फिर दोबारा हम उठ गए, वो शहरी बैठा है और ये है गिफ्ट माशाल्लाह से, ये देखें जी। हाँ जी बिल्कुल, दस किस्म की गिफ्ट है। हाँ जी चलेगी, बड़ी हमने पैकिंग शेकिंग की है, और ये देखिए। हाँ बिल्कुल, चलो जी चलो जी आओ। पता नहीं सदाकत के घर में आंधी ने क्या तूफान मचाया होगा। बंदा हो क्या होगा इतना सा वजन उठा के, और क्या सोए नहीं हो।
अभी ना चलते हैं इनके, पहले तो कम घरों की हालत देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इधर से इसका भी गंदा हुआ है। हाँ मुझे लगता है ऐसे कि है ना, वजह से बड़ी गड़बड़ होगी। हाँ। बंद तो है घर इसका। हाँ। लेकिन फिर भी बंद तो हमारा भी है, लेकिन अभी पर्दे नहीं लगे हुए। इसका ये फ्रंट एरिया अच्छा बना है हमारे से। हाँ इसका सही बना है ना, चकोर बना है। इधर फ्रंट दे मुंह ये भी है, ये होता है घर का, ये तो लॉन है ना। हाय हाय। अच्छा ये फ्रंट कैसे अच्छा बना? ये मेन डोर है। हाँ। मेन डोर का ये फ्रंट है। हाँ। तो यहाँ देखो ये आराम से निकलेगा, खड़ा होगा जो अंगड़ाइयां लेगा, फिर यहाँ लॉन में वॉक करेगा आके। नहीं हमारा दरमा, हमारा जो सेहन है उसमें गाड़ी खड़ी हुई है ना, गुजरने का रास्ता ना कुछ और है, इसकी गाड़ी का गिराज यहाँ बन सकता है आराम से, है ना। खाली है हमारा तो, डिंगा चिब्बा हो गया सेहन गाड़ी की वजह से। चलो अंदर, अल्लाह करे हो से बंदा। चलो देख कर गिर रही है फिर। अच्छा। हाँ अटका के फिर गिरा रहे हो, अभी तो आवाज गूंज रही है। खाली कमरे है, खाली घर है, खाली घर है। हाँ 25 को। हाँ दुल्हन आएगी माशाल्लाह, आबादी में देखना। हाँ फिर आबाद हो जाएगा। वो मियां बीवी खुद ही अच्छे कर लेते हैं मिलके, कोई नहीं। उसका मेन बेडरूम कौन सा है? ये है एक, ये जनाब जी इसका मेन रूम है, यहाँ पे हमने गिफ्ट रखे हैं। अभी वो बंदा खुद है नहीं, उसको बुला के लाते हैं। ये टीवी लाउंज है सारा, एक है इसका बेड जहाँ पे है इधर, और ये उसका किचन। सफाई सफूई तो हुई पड़ी है ना? नहीं है, मतलब वैसे मट्टी कोई नहीं है इतनी। हाँ, हाँ लेकिन ये सारा सेट हुआ पड़ा है, ये भी लगा पड़ा है। हाँ, गुड गुड। अभी इसका शापक भी नहीं उतारा उसने, वो बेगम उतारेगी, आप ना उतारो, बेगम खुद उतारेगी। अच्छा हाँ जी चलो जी ठीक है ना, ये चूल्हे के लिए कटा पड़ा है। चूल्हे की जगह भी है भाई, वाह जी वाह। उन्होंने काट दी, मैंने बंदे ने तैयारी शैयारी कर ली है। हाँ, अभी सफाई थोड़ी सी रहती है, पेंट शेंट लगा हुआ है यहाँ पे। हाँ, हाँ। ये सारा ना ये उतारेगा ना, उतर जाएगा तो फिर सेट वाले ने ध्यान से नहीं काम किया। यहाँ पे से नीचे से भी उतारने वाला वो बंदा फिरता है, वो वो आ गया भाई आ गया। हम ढूंढ रहे थे, मैंने कहा शायद फिर पता लग नहीं खाली घर में वो कहाँ रहता है। नहीं नहीं माशाल्लाह आपका घर भी बड़ा सेट हो गया, अंदर से माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लगता है। बस अब आपको इसको भरने वाली जरूरत है, बाकी ठीक है। लॉन भी ठीक है आपकी जगह, स्क्वायर टाइप की है। नहीं नहीं फिर सामान सुनो होगा ना, गूंज शूंज कम हो जाएगी, बेगम आ जाएगी, बेगम की आवाज़ से ये गूंज कम हो जाती है। हाँ वो बस तो जब साथ देता है ना, मेरा अकेले का साथ दे रहा है ना। और मजे की बात यह है कि आपकी ये जगह बड़ी सेट है, इसमें आप अपना सेटिंग बड़ी कर सकते हैं। स्क्वायर टाइप की है हमारी जरा है, और ऐसे कोने शोने बन गए। हाँ हाँ वो बैठक है, दो नहीं मेहमानों के लिए यार। ये देखें ये वॉशरूम कितना है, चमका सट है बंदे भाई। अच्छा जी जबरदस्त है। अच्छा नहीं नहीं जबरदस्त है, बैठक भी काफी वड्डी सारी है। तो वेखे बता अलमारी बादशाह बन गई है। मना खोद रुवे ना ना शर्मसार होना। नहीं बहुत
सही है जगह के हिसाब से ना। अच्छा ये वॉशरूम की तरफ। चलो जी ये माशाल्लाह फिट हो गया, काम है। विंडो ऊपर तक बन गई सारी, अलमारी नहीं अलमारी। हाँ अलमारी 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 नहीं नहीं अच्छा डिजाइन भी अच्छा है, शाइन भी अच्छी है, कंट्रास्ट ठीक है, इस दिनाल ना मैचिंग कर गया। तो ये गोला नहीं करवाया? नहीं ये वाइट, ये वाइट ही रखना है। अच्छा ये दी वजह पसंद नहीं आया वैसे भी, कमरा गोल्डन गोला दिया ग्रेस काफी है ऐसे। अच्छा ये वाला बैर वाला नहीं पसंद आया गोला? बैर वाला करवा दिया था। ये चलो चेंज चेंज यानी यानी कमरा अलग तो। अच्छा भाई इधर आओ, आपको ना हम गिफ्ट गिफ्ट ले आओ भाई, बत्तियां बाल रही बत्तियां शतियां वहाँ लाइट भी है। बल गई बल गई भाई, बत्तियां काफी सारी जल गई माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह। अच्छा नहीं छोटे नहीं नहीं दो फनूस भी लग जाएंगे अभी, वो भी अच्छे लगेंगे, छोटे अच्छे लगेंगे। चलो जी माशाल्लाह ये देखिए जनाब अल्लाह ताला आपके घर का पहला गिफ्ट हमारी तरफ माशाल्लाह, अल्लाह ताला और भी आपको देगा गिफ्ट इंशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह से जब हम थोड़ा सा बाहर आए थे तो अल्लाह ताला आपकी नसीब करे, और अगर टाइम है तो लगा के देख जरा वीआईपी किस्म के ना, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज लगा। ये दिखा दिए या मैं वीडियो बना लूं? आप बना लो, आप वीडियो बना लो, वीडियो बना लो आप इसकी। चलो ठीक है फिर तुम लगा के भी दिखाना वीडियो में, ठीक है? हाँ ये फिर करके दिखाएंगे। हमने कहा ये नहीं हो तुम फिर इनकी तरह तोड़ के एक वीडियो ना बना के दिखा रहे हो फिर टूट गई इन्होंने वो तोड़ी है नहीं नहीं, नहीं। हाँ। अच्छा ये माशाल्लाह से ना भाई जवान ने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत के बाद वो कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंसी पे बंदे ने पूरा घर बनाया, छोले करारे बेच बेच के छोले करारे छोले बेचे ना ऐसे 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 तो बड़े मुश्किल है। नहीं नहीं माशाल्लाह से ना उस बंदे ने भाई बड़ा मेहनत देखी, पूरा घर बड़ा खूब फ्रंट बड़ा खूबसूरत बन गया, बस एक छोटी हाँ यहाँ पे बड़ी सेट लगी। हाँ 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 ये तो खोलेंगे तो पता चलेगा ना, यहाँ पे भी लगा ले एक बेडरूम में लगा ले एक। हाँ 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 क्या क्या है अंदर ना, और मैं थोड़े को मशवरा नहीं ले सकता मैं कितने लाऊं ना जरूर वीडियो ते। अच्छा ना थोड़ा सा पूछ लेते हैं भाई साहब से ना, ये भाई साहब आपका घर कितने दिन में बने हैं, कितना साल? तकरीबन 3 साल। 3 साल लग गए? 3 साल तकरीबन। यो ये नहीं यूट्यूब के बाद शुरू किया था ना? यूट्यूब के बाद किया था ये, यानी कि यूट्यूब की आपकी अर्निंग शुरू हो गई थी उसके बाद आपने ये शुरू किया था, और 3 साल लगे हैं, और इसमें आपका है ये तकरीबन 14 मरले जगह तो है ये, वैसे टोटल जगह तो 13-14 बनती है, जो कवर एरिया मेरे ख्याल में 7-8 मरले का है कवर एरिया, कवर हाँ जो कवर्ड है जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग कवर तो सारी है दीवार। हाँ इसमें आपको मैंने अभी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा शॉर्टकट सा मार देता हूँ इसका ना, मतलब ये सामने बैठक है, ये सारा जो मेन डोर है ना ये इसको उन्होंने पॉलिश करवाना है, ये भी इसी तरह का हो जाएगा। तो टेप मिलती है यहाँ से तो हमें मिली नहीं, इसी हुड कलर की टेप होती है वो इनके ऊपर लग जाएगी तो ये सेम सेम हो जाएगा। नहीं तो ये पॉलिश भी कर सकता था, पॉलिश भी कर सकते हैं। तो ये सारा घर भाई साहब इस बंदे ने बनाया 3 साल में, ये देखो ये इतना बड़ा घर है, सामने 2 ड्राइंग रूम है, छत है ऊपर और किचन है, ये देखें सामने ये सारा, एक बेड ये है एक बेड ये है, 2 बेड हैं इसके अंदर, बड़े बड़े बेड हैं काफ़ी बड़े, और ये साथ में अलमारी है सारी, और साथ में ये वाशरूम है बड़ा सारा, ये देखें काफ़ी बड़ा, ये अलमारी शलमारी सारी बन चुकी है, कमरे सारे रेडी हैं, कलर शलर सब। हाँ नई अलमारी में पहले गिफ्ट माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे ऊपर ऊपर खड़ा कर,
ऐसे ऐसे, हाँ बस ठीक है। और माशाल्लाह ये भी साइड पे रख दे ऐसे, आह यानी कि अलमारी में पहला सामान आ गया। नहीं नहीं असी हूँ नहीं कटते, अगर बड़े तरले नाल आंदा। तो वैसे भी है, और ये सारा सेहन है, मतलब ये टीवी लाउंज है सारा, और ये एक वाशरूम इधर है, ये ज़बरदस्त ये बैठक के साथ अटैच है सारा, ये बैठक है और ये सारा इसके साथ अटैच है। तो खैर माशाल्लाह नहीं, बड़ा सेट माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत। अच्छा जाते जाते सानू ये दसी जा कितना खर्चा आ गया इस उत्ते 3 साल अंदर? तकरीबन 45 to 50 lakh 45 थोड़ा नहीं दसा पे मैं लगता है। नहीं वो असल ना ये घर 3 साल पहले डॉलर की कीमत कितनी आई, 125 रुपये उस हिसाब से अब देखेंगे कम अज कम ये 80 लाख के राउंड अबाउट ये जाके बनता है। अगर मतलब आज का देखे तो ये 80 लाख के लगभग बनेगा, क्योंकि ये जब डॉलर अब तो 300 में चला गया, तो 3 साल पहले ये अब के हाफ से भी कम था। हाँ ये बात तो आसपास में इसने मेन काम करवा लिया था, बाद वाला अगर लाख रुपए की शॉपिंग करते थे ना तो फील होता था यार कुछ ना कुछ लिया है, कुछ मिला। अब तो नहीं पता लगता, अब तो आप देखे जो मैं वो ड्रेसिंग लेके आया हूँ, हाँ लाख में तकरीबन पड़ गया, ड्रेसिंग हो जानी है ऐसे ही। और ये गैलरी भी है भाई साहब, इस साइड पे अलमारी शलमारी, साइड पे विंडोज लगाई हैं, वेंटिलेशन है सारी इस साइड पे, और मोटर भी इधर ही लगाई है। तो बस ये सारा ही सीन है, 7-8 मरले पिया, और माशाल्लाह ज़बरदस्त खूबसूरत घर बन गया गांव में। मतलब इनके हिसाब से ये एक बता रहे हैं कि मेरा 40-45 लाख लग गया, अगर आजकल की कलेक्शन करें तो ये तकरीबन 45-50 यानी कि 50 लाख के लगभग, 50 लाख के लगभग। तो वीडियो बनाई थी हमने, एस्टिमेटेड वैल्यू बताई थी, किफायत में हो गया है, फिर भी किफायत में है। हाँ बड़ा मुश्किल कमांदा है, नहीं नहीं माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त हो गया फिट। बस एक चीज़ की कमी है पर्दों वाली, तो वक्त के साथ वो भी बन जाएगा टाइम के साथ ना, लेकिन हाँ लेकिन वैसे खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, ये देखो हाँ कलर शलर हो गया बड़ा ज़बरदस्त हो गया, और ग्रीन ग्रीन लग रहा है सारा, नहीं नहीं बेहतरीन कलर ज़बरदस्त है खूबसूरत लग रहा है। और ये लॉन वगैरह सामने ये भी ग्रीन ग्रीन है माशाल्लाह, ये देखेंगे ज़बरदस्त। घर बनाना बड़ा मुश्किल है जी, और अल्लाह ताला अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो अब अगर आप फर्ज करो आपके पास 50 लाख अब होता नकद भी और आप शुरू करते ना तो सवाल नहीं पैदा होता, अब तो लाख लेके जाओ आप समझो बस वैसे खाली हाथ शापर में आते हो, एक शापर मत बड़ी मुश्किल है शॉपिंग नहीं है, बड़े हालात बड़ा टाइट है। यहाँ पे फ्रंट वाली कोई पर्दे बने तो बने, उधर वाली की डिजाइनिंग की जरूरत नहीं है, साइड वाली की नहीं नहीं उसकी तो नहीं है, ये सिर्फ फ्रंट वाली है, थोड़ी सी वो भी बाद में, अभी ऐसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है। हां फ्रंट बड़ा खूबसूरत है, ये देखो सीटिंग एरिया भी बड़ा जबरदस्त बन जाता है, गर्मी और सर्दियों दोनों में। पंखा लाया जना जी, इथे पंखा ला के बैठा तो आहा हा झूले लाल। गाड़ी की पार्किंग यहाँ हो सकती है आराम से, वो तो उधर भी है इनके पास। चलो जी वंस अगेन भाई साहब, अल्लाह तेरे नसीब करे, अल्लाह तुम लंबी जिंदगी करे, तो खूबसूरत करो, खुश रहो, आबाद रहो, तो शाद रहो, अल्लाह ताला थोड़ी मेहनत कामयाबियाँ तुम मजीद देवे। आमीन आमीन।